एक्टर जितेंद्र जो आज 75 के हो जाएंगे। एक्टर का जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1942 पंजाब अमृतसर में और उनका बर्थ नेम है रवि कपूर। जितेंद्र के पेरेंट्स ज्वेलरी बिजनेस में थे और वो ज्वेलरी सप्लाई किया करते थे वी शांताराम को। इन दोनों के बीच न जाने क्या हो गया और शांताराम ने जितेंद्र को रोल ऑफर किया एक्ट्रेस संध्या का बॉडी डबल प्ले करने को 1959 के प्रोजेक्ट में। जितेंद्र ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। फिल्म नवरंग ने इतना अच्छा करियर में उन्हें ग्रोथ नहीं दिया लेकिन वी शांताराम ने उनको फिर से कास्ट किया एज अ लीडिंग मैन इन हिज 1964 वेंचर क्योंकि वो उनके गुड लुक से काफी इम्प्रेस थे। गीत गाया पत्थरों ने। इट वॉज शांताराम हु गेव हिम द स्क्रीन नेम जितेंद्र। बॉक्स ऑफिस पर गीत गाया पत्थरों ने फिल्म भी इतनी अच्छी नहीं चली इसलिए जितेंद्र को कोई सक्सेस नहीं मिला। लेकिन उसके बाद 1967 में थ्रिलर फिल्म फर्ज एक्टर की पहली कमर्शियल हिट फिल्म थी। सभी जानते हैं कि जितेंद्र फेमस हैं एज जंपिंग जैक लेकिन वो कैसे बने। वेल हियर इज ऑल द डोप। जितेंद्र हाईली एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक डांस मूव्स करते थे पेपी नंबर पर। उनका गाना मस्त बहारों का मैं आशिक मूवी फर्ज से आपको याद ही होगा। इस गाने ने ही ये निकनेम जितेंद्र को दिलाया। आपको बता दें कि जितेंद्र एक बार प्यार में पड़ गए थे हेमा मालिनी के। उन्होंने हेमा को प्रपोज भी किया शादी के लिए लेकिन उन्होंने मना कर दिया और फिर जितेंद्र ने शादी कर ली शोभा कपूर से उनकी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट। ब्यूरो रिपोर्ट इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री।